As I think last today, I'm going to explain to you the story Shepherd and a Wolf. A shepherd boy used to graze sheep in the jungle. एक शेफर्ड एक गडेरिया जो था वो जंगल में अपनी बकरियों को चराया करता था. ही हैज़ अ जॉक राइट वुल्फ वुल्फ. उसको एक दिन मजाक सोचा और उसने चलाना शुरू कर दिया वुल्फ वुल्फ. द विलेजर्स रेन फॉर हिज हेल्प विद द स्टिक्स बट देर वॉज नो वुल्फ. विलेजर्स जो थे गांव वाले उसकी हेल्प के लिए दौड़े और स्टिक्स लेकर, बट वहाँ पर कोई भी भेड़िया ना था. द बॉय वॉज लाफिंग. लड़का हंसना शुरू हो गया. दे कर्स्ड हिम. उन्होंने उस पर लानत भेजी. द बॉय रिपीटेड द जॉक आफ्टर अ फ्यू डेज. लड़के ने यही मजाक जो था वो कुछ दिन तक बार बार किया. ऑन गोइंग टू हेल्प द बॉयज़ एंड और गाँव वाले उसकी मदद के लिए आते रहे. दे सार नो वुल्फ. थे उनको कहीं भी कभी भी वुल्फ जो था वो नज़र ना आया. द विलेजर्स बिकेम एंग्री. अब गाँव वालों को जो था वो गडेरिए पर बहुत गुस्सा आ गया. वन डे द वुल्फ रियली केम देयर. एक दिन जो था वो वाकई भेड़िया वहाँ आ गया. द शेपर्ड वॉज अफेयर्ड एंड क्राइड वुल्फ वुल्फ. गडेरिया बहुत डर गया और उसने डर के मारे चिल्लाया वुल्फ वुल्फ. द विलेजर्स डिडंट कम टू फॉर हेल्प. लेकिन जो गांव वाले थे क्योंकि वो गुस्सा थे तो इसकी मदद के लिए ना आए. द वुल्फ किल्ड द बॉय एंड एट मैनी शेप्स. भेड़िया ने जो था वो लड़के को भी खा लिया और उसकी बहुत सारी शीप्स को भी खा गया. और द मोरल है वॉन्स अ लायर ऑलवेज अ लायर. ओके क्लास, आपने स्टोरी को अच्छे से लर्न कर लेना है और इसको अपनी नीट बुक राइटिंग में जो है वो अपनी नोटबुक पर लिखना है. दिस इज़ योर होमवर्क.